उत्तराखंड सरकार के सचिव विनोद कुमार सुमन ने विकास के कामों की समीक्षा की और अधिकारियों को नसीहत दी कि सभी अधिकारी सामंजस्य बना के विकास के कामों को पूरा करें। हल्द्वानी पहुंचे संपत्ति प्रोटोकॉल प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शासन स्तर पर लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने का आश्वासन अधिकारियों को दिया। सुमन ने अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए और कहा, शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर विकास कार्य को गुणवत्ता पूर्वक पूरा करें। ये समीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और जिले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि जिले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चलें, अच्छे तरीके से चलें, गतिशीलता के साथ चलें, क्वालिटी मेंटेन करके चलें। बजट की दिक्कत नहीं है। अगर जैसे अभी सिंचाई के लिए गोलों के लिए कुछ बात आई है तो हमने कहा कि आपदा में पैसा मिलता है, उसमें जो गोल क्षतिग्रस्त होती हैं तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा, बट वो प्रस्ताव जो हो ठीक ठाक हो और वास्तव में वहाँ पानी उपलब्ध हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।